दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आरबी कार लवर। दोस्तों आज एक और नई वीडियो के साथ में हम आए हुए हैं, स्प्लेंडर 2.0 की वीडियो लेके आपके साथ में। चलिए दोस्तों शेयर करते हैं आपको स्प्लेंडर 2.0 का रिव्यू। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे मिल जाता है हमें USB सॉकेट, साथ ही में आप जैसे फ्रंट में देखेंगे यहाँ पे DRLs दिए गए हैं जो कि काफी अपडेट दिया हुआ है। यहाँ पे पूरा फुल LED सेटअप दिया गया है। यहाँ पे स्प्लेंडर 2.0 की बैजिंग नहीं है लेकिन सिर्फ स्प्लेंडर लिखा हुआ है जो कि स्प्लेंडर प्लस हीरो के बैजिंग के साथ में। ग्राफिक्स काफी प्यारे डिजाइन है। यहाँ पे मिल जाता है आपको स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 की बैजिंग जो कि काफी खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो क्रोम फिनिश में और काफी अच्छा मोड्स के साथ में दिया हुआ है। साथ ही में इंडिकेटर्स पूरे कंप्लीट दिए हुए हैं। यहाँ पे स्विच कंट्रोल चेंज है पूरा क्योंकि ये 2.0 अपडेट है, नॉर्मल स्प्लेंडर सामान कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट भी मिल जाता है, साथ ही में सिंगल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट्स दी गई है। हैंडल बार काफी अच्छी है। यहाँ पे I3S कट ऑफ वगैरह की, सॉरी I3S की बेजिंग नहीं है, कट ऑफ स्विच है यहाँ पे। और यहाँ पे सेल्फ की बटन है। सेल्फ की बटन मैं अक्सर इस वीडियो में बोलता हूँ, अच्छा लगता है। यहाँ पे E20 की बेजिंग, साथ ही में पेट्रोल टैंक भी BS7 नॉब्स में आता है इसका। और पेट्रोल टैंक काफी खूबसूरत स्लिम डिजाइन है, काफी शॉर्ट है और बहुत प्यारा लुक है। कटिंग के लिए काफी अच्छा होता है। सीट भी काफी लंबी है और अच्छी कंफर्टेबल है। यहाँ पे देखेंगे तो आप DRLs और साथ ही में LED काफी अच्छा लग रहा है। अपर डिपर में पास करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर चेंज है, हेलोजन है ना कि LED, बट कोई ना, स्प्लेंडर में काफी अच्छे जच रहे थे, लुक बहुत प्यारा था। यहाँ पे सॉकअप की थोड़ी हाइट बढ़ाई गई है। यहाँ पे हमें कंबाइंड ब्रेक सिस्टम देखने को मिलता है। साथ ही में 80-100-18 इंच के यहाँ पे हमको टायर साइज देखने को मिलता है। 18 इंच इसका अलॉय साइज है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मडगार्ड में ही फिट है, फिक्स्ड है। यहाँ पे स्टील लेगार्ड मिल जाता है जो कि काफी मजबूत है, जैसा कि आप स्प्लेंडर प्लस की मजबूती जानते हैं। यहाँ पे हीरो का आपको बोल्ड अक्षर मिलता है और यहाँ पे FI की भी बेजिंग क्रोम में मिलती है। देखिए FI काफी अच्छा क्रोम में दिख रहा है। यहाँ पे इंजन सेम है, कोई चेंज नहीं किया गया इंजन में। यहाँ पे हीरो की बेजिंग, यहाँ पे गियर 4 ही आते हैं। यहाँ पे फुटरेस्ट ऑब्वियसली जैसा सेम है सेम रहेगा। यहाँ पे साइड स्टैंड की आपको वार्निंग लाइट भी यहाँ पे देख सकते हैं, मिल जाती है क्लस्टर में। उसी के साथ में यहाँ ग्राफिक्स बहुत प्यारे डिजाइन किए हुए हैं एक्सटेक की बेजिंग के साथ में, जैसा पहले बताया था। ये प्लास्टिक चैन कवर दिए हैं। हाँ, कंपनी थोड़ा प्राइस कटौती कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। सॉकअप भी बहुत अच्छे हैं इसके। साड़ी गार्ड काफी बड़ा कर दिया गया पहले से और प्रोटेक्शन को लेकर अच्छा भी है। पीछे की अगर मैं अलॉय और टायर साइज की बात करूँ तो ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो इंडिकेटर तो ऑब्वियसली, और ये जो लाइट देख रहे हैं पूरा फुल चेंज कर दिया गया है। पहले सामान कोई भी लाइट नहीं है और मडगार्ड भी पीछे का पूरा चेंज है। यहाँ पे स्टील का जो अपन केरियल बोलते हैं बहुत हेवी दिया हुआ है, लोड ले जाने काफी अच्छा, यानी एक फैमिली बाइक पर्पज से बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर बैक साइड की बात करूँ तो देखिए अलॉय की डिजाइन भी पूरी चेंज कर दी गई है। यहाँ पे पहले सामान कुछ भी नहीं रहा स्प्लेंडर में, ट्यूबलेस टायर है। हाँ, थोड़ा सा ये साइलेंसर भी चेंज हो सकता था लेकिन काफी अच्छा लग रहा है अभी बाइक में। फिलहाल के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कंपनी आगे चल के इसे चेंज कर दे। ये फुटरेस्ट नॉर्मल ही है। यहाँ पे किक भी वही है सेम। यहाँ पे देखिए साइलेंसर प्रोटेक्शन दिया हुआ है जो कि अक्सर पैर में लग जाता है लेकिन इसमें नहीं है। बाकी तो सब कुछ सेम है, थोड़ा सा 2.0 में चेंज किया गया है। और यहाँ पे बोल्ट क्रोम में लिखा गया है हीरो। काफी चेंज है वैसे तो ग्राफिक्स वगैरह के इसमें। देखिए आप एक बार मैं पूरा लुक दिखा देता हूँ आपको। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आती होगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं एक्सट्रीम की, सुपर स्प्लेंडर की, तो जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।